दोस्तों हाल ही में एक वीडियो बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसे देखकर अब सभी दंग रह जाएंगे। इस वीडियो में एक सांप को एक गाड़ी के अंदर से छुपा हुआ पाया गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सांप ओवी एक स्कूटर में। जब उस स्कूटर का मालिक अपने गाड़ी के पास पहुँचा तो उसने देखा कि एक सांप मिरर वाली जगह से निकल कर बाहर झाँक रहा है। ये देख कर गाड़ी का मालिक भी दंग रह गया और उसने तुरंत सांप पकड़ने वालों को बुलाया। जब सांप को डंडे से बाहर निकाला गया तो वो इंसान पे फन मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि सांप पकड़ने वालों ने उसे शांत कर दिया और वह से ले गए। हम जानते हैं कि आप ये खबर सुन के चौकन्ना हो गए होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसे अनेक जगहों पे सांपों को छुपा हुआ पाया गया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज की इस वीडियो में हम ऐसी कुछ जगहों की बात करने जा रहे हैं, एक आम इंसान इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसी जगहों पे एक सांप छुपा हुआ भी पाया जाता है। टॉयलेट में छुपा हुआ सांप, क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि आपके घर के बाथरूम में एक सांप छुपा हुआ हो सकता है? अगर नहीं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही विशाल सांप टॉयलेट में घुसा हुआ था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह जब इस सांप को बाहर निकालने की कोशिश करी गई तो ये और अंदर घुसने लगा। जब घर के मालिक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये सांप पेड़ में लटका हुआ था और उसके बाद ये घर के छत पे आ गया, छत से चिमनी में घुस गया और फिर इस सांप को टॉयलेट में पाया गया। जब इसे बाहर निकाला जा रहा था तो ये बाहर नहीं आना चाहता था, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद लोगों ने इसे बाहर निकाल लिया, जिससे उन्हें चैन की सांस मिली। अगला वीडियो जोधपुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानपुर गांव का है, जहां भारत का एक सबसे जहरीला सांप को एक घर की सीढ़ी के अंदर छुपा हुआ पाया गया। वहां के कुछ लोगों ने सांप को रात के अंधेरे में सीढ़ी के नीचे घुसा हुआ पाया। ये देखते ही उन लोगों ने तुरंत सांप पकड़ने वालों को खबर कर दी। जब तक रेस्क्यू टीम आई तब तक ये सांप काफी अंदर जा चुका था। उस सांप का असल स्थान को पता करने के लिए घर की सीढ़ी को पूरी तरह से तोड़ना पड़ा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से सांपों को खोजने के लिए सीढ़ी को तोड़ना पड़ रहा है। अंत में जब सीढ़ी टूटी तो एक बहुत ही जहरीला सांप, जो कि काले रंग और मोटा था, उसको कोने में छुपा हुआ पाया गया। उसके बाद उस सांप को पकड़ लिया गया और लोगों को थोड़ी राहत मिली। तो दोस्तों, अगली घटना हरियाणा के एक जिले की है, जहां एक ट्रक के अंदर एक रैटल स्नेक को छुपा हुआ पाया गया। ट्रक के ड्राइवर ने इस सांप को एक हफ्ते पहले ही गाड़ी में देखा था, लेकिन उसके बाद उसे ऐसा लगा कि वो सांप गाड़ी से निकल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सांप उस ट्रक में लगभग 7 दिनों से मौजूद था। अंत में ट्रक के ड्राइवर ने सांप पकड़ने वालों को बुलाया। सांप पकड़ने वालों ने जब छानबीन शुरू की तो सांप को ट्रक के स्पीकर के पीछे पाया गया। जब उस सांप को निकालने की कोशिश की गई तो असल में वो सांप गाड़ी की छत पे छुपा हुआ था, वो भी तकरीबन 7 दिनों से। निकलने की बात पता चला कि वो सब एक रैटल स्नेक था। अगली वीडियो अहमदनगर का एक मस्जिद की है, जिसकी टूटी हुई सीढ़ियों में एक सांप घुसकर बैठा था। जैसी हुआ के लोगों को इस बात की भनक पड़ी तो उन्होंने रेस्क्यू करने वालों को बुला लिया। रेस्क्यू टीम ने सांप को निकलने की बहुत ही कोशिश की। इसके बाहर आने के बाद पता चला कि ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा था, जिसको हिंदी में नाग भी कहा जाता है। दोस्तों, ये भारत का एक बहुत ही जहरीले सांप है। जब इसे बाहर निकाला गया तो ये सांप बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, जिसकी वजह से अपने नजदीक आने वाली हर एक वस्तु को ये काटने की कोशिश कर रहा था। अंत में सांप को रेस्क्यू करके रेस्क्यू टीम ने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और यदि आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।